जनाब गौर अली खान, बैरिस्टर गौर अली खान, आप मुख्तसर बात कीजिए प्लीज। योर ऑनर, थैंक्स यू। आई वांट टू सेट गुड ट्रेडिशन इन द हाउस। आई होप यू पीपल वुड अप्रिशिएट इट। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू अल्हम्दुलिल्लाह। दिस ओकेजंस मेक्स ऑल ऑफ अस वेरी हम्बल एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुबहानहु व तआला। वी मेड इट टू दिस हाउस डिस्पाइट ऑल इम्पॉसिबिलिटी इट हैड बीन मेड बाय द फोर्सेस टू अस। हमें रोका गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडरों को रोका गया। कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं, पोस्टर की इजाज़त नहीं, स्टिकर की इजाज़त नहीं। लेकिन अवाम ने गुलामी नामंजूर के आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। ये इमरान खान का विजन है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तकद्दस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आईन के मुताबिक ओथ उठाते हो। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। यह आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, यह फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल, जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका और कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे। लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब की आज। ये हमारा मुतालिबा रहा है, ये हमारा जिंदगी भर मुतालिबा रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से कोई स्नीक इनटू द हाउस नहीं कर सकता। सिर्फ वो बंदा इंटर हो सकता है जो पब्लिक मैंडेट रखता हो। पब्लिक मैंडेट के अलावा कोई इंटर नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो तो ठाके कहते हैं कि फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू तो वो स्पीकर साहब, एक मिनट, जो पॉइंट करना है इसमें आर्टिकल की मबजूल करवाना चाहते हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रूल 17 है उसके मुताबिक सबसे पहले लिखा आर्टिकल 53 में, After a general election, the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members as Speaker and Deputy Speaker. Speaker or Deputy Speaker का election होता है when जब National Assembly पूरी हो। मैं सिर्फ आपके सामने पढ़ूंगा Article 51. Article 51 ये कहता है National Assembly है क्या? National Assembly का definition provide हुआ है in Article 51(3) में। उसमें ये लिखा है, there shall be 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslim. 3 में लिखा है, the seat in the National Assembly referred to in Clause 1, except the seat mentioned in Clause 4, shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th में लिखा है, notwithstanding anything contained in Clause 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, Jawa, my request. There are 60 women seats, and there are 10 seats for non-Muslim. वो 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 मौखर हो जब तक वो ना आए, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे। मेरे आपसे ये इस्तेदार। थैंक यू, आप तशरीफ रखें। आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए, आप सुने आराम से। नो, गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, प्लीज। गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, कोई नाराबाजी नहीं होगी। देखें, आज पहला दिन है नई असेंबली का, अच्छी अच्छी रवायात के साथ चले आगे। आप तशरीफ रखें प्लीज, प्लीज आप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ रखें। फ्लोर हैज बीन गिवन।
आप तशरीफ रखें। देखें आपका व्यू पॉइंट सुना गया, आपका व्यू पॉइंट सुना गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जो इमरान साहब जो इमरान व्यू पॉइंट सुना है बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था। बैरिस्टर साहब, जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज चुप करो। नहीं आप 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 तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बात तो सुन लेना। देखें देखें, ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है उसका जवाब सुन लें, सब्र से सुने, कोई बात आपको फिर मौका देंगे, फिर आपको फ्लोर देंगे, फिर आप बात करें। आप अभी बैठ जाएं। बातें इनके बारे में तो बैरिस्टर साहब अंदर बैठ के जाके, आई नीड योर इंटेलिजेंस प्लीज। बातें इनके बारे में करते रहे 18 मिनट। उमर साहब आप बात करो। देखें पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपने अपनी बात कर ली, आप फाजल मेंबर को बात करने दें। यही तो पार्लियामान का मकसद है कि हम एक दूसरे की बात सुने। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे? आप यहाँ देखिए, हम सब यहाँ हैं, यू आर ऑनरेबल मेंबर्स, यू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। बैरिस्टर साहब आप बताइए, जब आपने बात की तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अब उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं दोबारा आपको टाइम देता, पहले बात सुन लें ताकि अगर कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप कर दें। जी देखें, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं देखें, जब आपने बात की, मेरी बात, मेरी गुजारिश सुन लें, देखें आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहां खामोशी थी, अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। फिर कल आपकी कौन बात सुनेगा? उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे? नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है, मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूं। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें, खुदा के लिए आप बैठ जाए। मेरी मैंने आपकी बात मानी, अभी आप मेरी बात मानी, बैठे आप बैठ जाना, आप बैठ जाए, आप बैठ जाना, अभी आप बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, बैठ जाना ना करे गौर साहब, आप बैठ जाए, आप दो गोहर हैं, कम से कम एक तो बैठ जाए। देखें मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। नहीं मैं फिर आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इस तरह करना है, दस्ती साहब देखें, पार्लियामान में ये है कि आप अपना व्यू पॉइंट दें, आपकी जो मुखालिफ सम्मत है उसको सुने, अगर वो जवाब देना चाहें तो फिर आप हौसले से जवाब सुने, फिर अगर आपके पास कोई काउंटर आर्गूमेंट है तो आप दे, अगर इजाजत देता है स्पीकर तो दे दें। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे बताएं मस्ती खेल ये कैसे चलाएंगे? जी बैरिस्टर साहब आपको क्लेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो बाकी बैठ के सुने ना, फिर आपने शोर नहीं करवाना इस तरफ से है।